सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क से वाई पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि वाई पैरामीटर्स को शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स क्यों कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट करंट I1 और आउटपुट करंट I2 को जब हम लोग इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट वोल्टेज V2 के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया जाता है तो यह पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क में क्या कहलाता है? Y पैरामीटर्स कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे Y पैरामीटर्स के इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 टू पोर्ट नेटवर्क के लिए क्या कहलाएंगे? Y पैरामीटर्स के लिए इक्वेशन कहलाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग Y पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे, Y11 Y12 Y21 और Y22। तो इन सभी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अगर हम लोग क्या करें इक्वेशन नंबर 1 पर और इक्वेशन नंबर 2 पर क्या करें, V2 के वैल्यू को क्या करें, 0 करें। जब V2 के वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हम लोग किसके वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे? Y11 के। तो Y11 इज इक्वल टू होगा I1 अपॉन V1। और इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे जब V2 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, तो किसके वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे? Y21 के। तो Y21 इज इक्वल टू होगा I2 अपॉन V1। और इसी प्रकार से हम लोग एक बार और किसके वैल्यू को 0 पुट करना होगा, V1 के वैल्यू को 0 पुट करना होगा। V1 के वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो किसके वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे? Y12 के। तो Y12 इज इक्वल टू होगा I1 अपॉन V2। ये जो इक्वेशन मिलेगा वो कहाँ से मिला है? इक्वेशन नंबर 1 से। और इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे क्या पुट करेंगे, V1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? Y22 इज इक्वल टू कितना होगा, I2 अपॉन V2 होगा। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि Y पैरामीटर्स को ही शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी जो वैल्यू कैलकुलेट किया है Y11, Y21 और Y12 और Y22 को, जब हम लोगों ने इन Y पैरामीटर्स के वैल्यू को कैलकुलेट किया तो पहले बार में किसको 0 लिया, V2 इज इक्वल टू 0 लिया, और दूसरे बार में क्या लिया, V1 इज इक्वल टू 0 लिया। तो किसी भी सर्किट या किसी भी पाथ में वोल्टेज कब 0 होता है? तो वोल्टेज 0 होने के लिए हम लोगों को उस पाथ को क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट करना होता है। तो जब हम लोगों ने आउटपुट साइड को शॉर्ट किया तो हम लोग कौन कौन सा वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, Y11 और Y21। जब हम लोगों ने इनपुट साइड को शॉर्ट किया तो किसके वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए, Y12 और Y22 को। तो इस कारण से जो Y पैरामीटर्स को क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स कहा जाता है। अब हम लोग इस इक्वेशन को
मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो I1 और I2 ये होगा मैट्रिक्स 2x1 का, और y पैरामीटर्स का जो मैट्रिक्स होगा वो कितने का, 2x2 का, तो y11 y12 y21 y22, और जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज V1 और V2 को किस प्रकार से लिख पाएंगे, V1 और V2 ये मैट्रिक्स होगा 2x1 का। तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि टू पोर्ट नेटवर्क में Y पैरामीटर्स क्या होता है और Y पैरामीटर्स को ही शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स क्यों कहा जाता है। तो अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।